ये जो महीना शुरू होने वाला है, हज का महीना शुरू होने वाला है, बहुत सारे लोग हज को जा चुके हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, तो मैं आपको हज उमरे से मुतालिक चंद अहदीस सुनाऊंगा और अगले हफ्ते इंशाल्लाह कुर्बानी से मुतालिक आपको अहदीस सुनाऊंगा, बकरीद से मुतालिक, और सवाल जवाब भी आप आज भी कोशिश करके कुर्बानी से मुतालिक, हज से मुतालिक करें, अगले हफ्ते भी वैसे जैसे मर्जी सवाल करें, लेकिन हजर उमरे के अगर आप सवाल करेंगे या कुर्बानी के, तो उनको बहुत फायदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद वअला आलि सय्यिदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया और उसमें फरमाया कि लोगों के ऊपर हज फर्ज कर दिया गया है, लिहाजा उसको अदा करने की फिक्र करो। एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज करना हम पर फर्ज किया गया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में सुकूत फरमाया और कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उस शख्स ने तीन दफ़ा अपना सवाल दोहराया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे इस सवाल के जवाब में कह देता हाँ तो हर साल हज करना फ़र्ज किया गया, तो उस तरह फ़र्ज हो जाता और तुम अदा ना कर सकते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि किसी मामले में जब तक मैं खुद उनको कोई हुक्म ना दूँ तो मुझसे हुक्म लेने की कोशिश ना करो। सही मुस्लिम के हदीस पाक है। हज का जो पाँच दिन होते हैं उसमें बीवी से मुबाशरत, लड़ाई झगड़ा, बेहयाई, बुरे काम न करने को हुक्म है। सूरह बकरा आयत नंबर 196, 197, 199। सूरह बकरा की ही 125 नंबर आयत में हज का हुक्म जो है तवाफ का हुक्म आया था शुरुआत में। सूरह हज की 27 नंबर आयत में हज का ऐलान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कराया गया। सूरह आले इमरान की 97 नंबर आयत में हज को लोगों पर अल्लाह का हक बताया गया है। सूरह बकरा 189 नंबर आयत में चांद का घटना बढ़ना हज का महीना मालूम करने के लिए है। सूरह बकरा 197 नंबर आयत में हज के सफर में माकूल खर्च साथ रखने के लिए, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। 198 नंबर आयत सूरह बकरा में हज के हज में जायज़ तजारत करने की इजाज़त है, मतलब आप वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। और सूरह बकरा की 196 नंबर आयत में हज उमरा सिर्फ अल्लाह के लिए हो, मतलब खुद को हाजी कहलवाने के लिए नहीं, हमारे माशरे में तो हाजी कहलवाने के लिए लोग हज करते हैं, तो अल्लाह के रजिस्टर में अगर आप हाजी लिखे गए, यहाँ आपको कोई हाजी नहीं भी कहता तो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ लोग हाजी कह रहे हैं, अल्लाह ने लिखा ही नहीं आपका हज, तो बेकार हो गया आपके पैसे भी, वक्त भी, जो आपने टाइम लगाया हो। सूरह माईदा की 1 नंबर आयत में अल्लाह ने अहराम की हालत में शिकार न करने का हुक्म दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास सफ़र हज का ज़रूरी सामान हो और उसको सवारी में असर हो, जो बैतुल्लाह तक उसको पहुंचा सके और फिर वो हज ना करे, तो कोई फ़र्क नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। जामे तिर्मिज़ी की हदीस पाक है। अब जो लोग बहाने करते हैं कि बच्चे छोटे हैं या बच्चों की शादी करनी है, अभी यह फला काम रुका हुआ है, वो सोच ले कि अगर बीच में मौत आ गई तो क्या बनेगा, इसलिए बिल्कुल ये समझ ले शरीयत के मामले में हर हाल में आपको पाबंदी करनी चाहिए, जहाँ आपकी हैसियत हुई वहीं फौरन हज पे जाना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्ला का तवाफ नमाज की तरह इबादत है, बस ये फ़र्क है कि तवाफ में तुमको बातें करने की इजाज़त है, तो जो कोई तवाफ की हालत में किसी से बात करे तो नेकी और भलाई ही की बात करे। जामे तिर्मिज़ी की हदीस पाक है। वो बरकत वाला घर है, अल्लाह का जो घर है। आप यहाँ से अगर माफ़ी दरगुजर और लोगों के साथ अच्छा सलूक लेके जाएंगे, अच्छा अखलाक लेके जाएंगे, तो वो बरकतों के साथ वापस आएंगे। लेकिन अगर यहाँ से आप गुस्सा और झूठ और धोखा लोगों का माल मार के जाओगे, तो वो भी बरकतों के साथ वापस आएगा। आप कितने हज कर लो, अगर आपने लोगों के माल मार रखे तो किसी कीमत में भी आपका हज कबूल नहीं है। यह हदीसों साबित है। बात हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हजरे असवद और रुकने यमानी, इन दोनों पर हाथ फेरना गुनाहों के कुफारा का जरिया है, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जिसने अल्लाह के इस घर का 7 बार तवाफ किया और एहतमाम और फिक्र के साथ किया, तो उसका ये अमल ये गुनाह आज़ाद करने के बराबर होगा। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी सुना
क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बंदा तवाफ करते हुए जब एक कदम रखेगा और दूसरा कदम उठाएगा तो अल्लाह ताला उसके हर कदम के बदले में एक गुना माफ करेगा और एक नेकी का सवाब उसके लिए लिखेगा। जामे तिर्मिज़ी के अंदर है सूरह बकरा की 158 नंबर आयत में हज में तवाफ का हुक्म सफ़र और मरवा की सही का हुक्म है। सूरह बकरा की 125 नंबर आयत में मुकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाने का हुक्म आया। सूरह बकरा की 200 नंबर आयत में मीना में क़याम का हुक्म, जो हम मीना में रुकते हैं 6 दिनों में, और अल्लाह की याद में लगे रहने का, मुज़दलिफ़े में और अरफात में क़याम का हुक्म इसी आयत में आया। सूरह बकरा की 198 नंबर आयत में योम अरफा 9 दिन जब अरफात में मुज़दलिफ़ों में क़याम करने का हुक्म है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमरात पर कंकरियाँ फेंकना और सफा और मरवा के दरमियान सही करना और चक्कर लगाना जिक्र अल्लाह की गर्म बाजारी के वसायल हैं। जामे तिर्मिज़ी के हदीस पाक है। सूरह हज 28 नंबर आयत में अल्लाह ने हज के दिनों में कुर्बानी का हुक्म दिया। सूरह बकरा की 106 नंबर आयत में कुर्बानी के बाद सर मुंडवाने का हुक्म है। हजरत ज़ुबैर बिन अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत है कि एक शख्स ने हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरे अस्वद को बोसा देने के मुतालिक सवाल किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरे अस्वद को हाथ लगाते और बोसा देते देखा है। जमीन तो सही बुखारी है। हजरत उमर ने एक बार हजरे अस्वद की तरफ इशारा करके कहा था कि ए पत्थर, सुन ले कि तू पत्थर है, अगर मेरे नबी ने तुझे बोसा न दिया होता तो मैं भी तुझे बोसा न देता। तेरे अंदर कोई किसी किस्म का नफर नुकसान पहुँचाने की सफर नहीं। तो वहाँ हजरत अली खड़े थे तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर काला हो गया, लोगों ने बुरा चूकता है, तुझे सिफत तो है कि लोगों ने बुरा चूक लेता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में ऊँट पर तवाफ़ किया और बोसे की बजाय हजरे अस्वद को लकड़ी या लाठी से जिसका सिरा खमदार था उससे छुआ। सही बुखारी के हदीस पाक है। मतलब ये इस्लाम कहलाता है। जो लोग गए हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि उसमें एक हरी पट्टी है जो मताफ है जहाँ से तवाफ़ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है इस्लाम पट्टी पर खड़े होकर जब नियत करते हैं, इस तरह 8 इस्लाम जो है वो एक तवाफ़ का करने होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे भी थे और हुज़ूर को क़यामत तक पता था कि इतनी भीड़ होने लगेगी, लोग पहुँच चुकी होगी हजरत अस्वद तक। तो हुज़ूर ने दूर से भी इशारा किया, इस्लाम किया और लाठी से भी छुआ। हजरत हारिस सफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हज या उमरा करे तो उसे चाहिए कि उसकी आखिरी हाजिरी बैतुल्लाह पर हो और आखिरी अमल तवाफ़ हो। मुस्नद अहमद के हदीस पाक है। अगर इख्तियार हो तब ये है। अब तो हम गवर्नमेंट के ताबे होते हैं, हमारे मौलवी हज़रात हमें लेके जाते हैं। तो अगर किसी को इख्तियार हो तो आखिरी जो उसका अमल हो बैतुल्लाह में हाजिरी और आखिरी अमल तवाफ़ होना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी ने हज किया और उसमें ना तो कोई शहवानी और फाश बात का इंतकाब किया और ना कोई अल्लाह की नाफरमानी, तो वो गुनाहों से ऐसा पाक में साफ होकर वापस होगा जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जरा था। सही बुखारी सही मुस्लिम में पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो भी हक होंगे वो सब माफ़ हो जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रहे ऐसा पाक साहब कहा अल्लाह ने कि जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। ये अल्लाह के हुकूम माफ़ होंगे, हुकूम की बात माफ़ नहीं होंगे। अगर आपने अपनी बहनों का हक मारा होगा, अपने यतीम भतीजे भांजों का हक मारा होगा तो नहीं माफ़ होगा। पड़ोसियों की दीवार रोकी होगी या उनकी नाली दवाई होगी या उनकी जो क्या कहलाती है उसको बागों में या खेतों में डॉल, वो अगर आपने दबाई होगी तो उसका हिसाब अल्लाह यहाँ होना है। अगर आपने उसे माफ़ी न मांगी या माफ़ न कराया। आज की आखिरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उमरा दूसरे उमरे तक कफ़ारा हो जाता है जिनके दरमियान के गुनाहों का और हज मुकर्रर, हज मबरूर पाक और मुखलिसाना हज
तो बदला तो बहुत सुंदर है, सही बुखारी है। ये भी गलत है, भी दूर होनी चाहिए कि अगर किसी ने उम्रा कर लिया तो हज फर्ज हो जाएगा। उम्रा बिल्कुल अलग इबादत है और हज बिल्कुल इबादत अलग है। उम्रा जो है वो नफली इबादत है और हज जो है वो फर्ज है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर उम्रा कर लिया तो उस पर हज फर्ज हो जाएगा। हज फर्ज होने की अलग शर्तें हैं कि आपकी हैसियत हो, रास्ता पूरा बंद हो, आपकी सेहत हो, तो उस हिसाब से आपके ऊपर हज फर्ज होगा। अगर किसी के ऊपर हज फर्ज नहीं है और उसके पास इतने पैसे हैं कि 50-60 हज़ार में उम्रा करिए तो वो अल्लाह का घर सुनकर रोज़ा को जरूर देखते हैं। याद अलहमदिल्ला हज उम्र से होता है।